अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। और जो है नई न्यू व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है और मैं भी आया घर पे, नमाज़ पढ़ के असर की, तो देखो तो घर में से खुशबू आ रही थी क्योंकि यास्मीन ने पकाई है भिंडी, लेकिन यहाँ पे जो है यास्मीन पढ़ ली है नमाज़। तो फिर मैंने सोचा कि देखूँ क्या हो रहा है इंडिया में। तो यहाँ पर जो है इंडिया में जो है भिंडी ने आ उबाल, ये देखो। तो अगर ये मैं नहीं देखता तो अभी ये जल जाती, और क्योंकि यास्मीन पर नमाज़ पढ़ने में लगी हुई थी। तो अभी मैं देखता हूँ, चलाता हूँ इनको कि ताकि थोड़ी सेटिंग में आ जाए। और ये देखें, ये जो है मैं चला देता हूँ इसको क्योंकि यास्मीन को टाइम लगेगा। ये अभी मेरे ख्याल में इनका पानी खुशक करना होगा शायद, तो इसलिए थोड़ा तेज़ चूल्हा किया हुआ था। हमारे व्यूअर्स से जो है ये गुजारिश है कि हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो नई वीडियोस जो होती हैं आने वाली, वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और के यास्मीन कहाँ है, ये देखें, ये पढ़ रही हैं नमाज, ठीक है। और असाद गए हैं ट्यूशन क्योंकि असाद जो है आज जा नहीं रहे थे, उनका काम नहीं हुआ हुआ था। जी मैं बता रहा था असाद के बारे में कि असाद गए हैं ट्यूशन और उनका काम नहीं हुआ होता, तो इस वजह से जो है वो जा नहीं देते, तो फिर उनको समझा के भेजा है। और अभी गए हैं ट्यूशन, देखते हैं क्या होता है जब आएंगे, तो हो सकता है उनकी आज थोड़ी सी पिटाई भी लग जाए क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था और बताया भी नहीं ना दो दिन से, क्योंकि दो दिन से छुट्टी थी और उन्होंने बताया ही नहीं, इस वजह से आज बता रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा दोस्तों देखें, असाद आ चुके हैं थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक करके ट्यूशन से, और इनको जो है थोड़ा सा मतली सी हो रही है शायद, तबीयत ख़राब सी हो रही है, उल्टी सी आ रही है। थोड़ी देर हवा में बैठो, पंखा चला दिया मैंने, सही है, तो हवा में बैठेंगे तो इनकी थोड़ी तबीयत सही होगी। बीच में होकर बैठो ताकि हवा लगे, ठीक है। और जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि यास्मीन क्या कर रही हैं। यास्मीन जो है पका रही हैं रोटियाँ क्योंकि वो नमाज़ पढ़ ली थी उस टाइम पर, और मैं दिखाता हूँ आपको यास्मीन का लेके चल। जी दोस्तों ये देखिए, यास्मीन पका रही हैं रोटियाँ। पढ़ ली नमाज तुमने सही से? मगरिब की अजान होने वाली है, तो जब तक जो है अजान होगी रोटियाँ भी तैयार हो जाएंगी, फिर जो है इंशाल्लाह मगरिब के बाद खाएंगे खाना। और ये देखें पेड़े वगैरह बना के इन्होंने रेडी करके रखे हुए हैं। हम लोग जल्दी खा लेते हैं, मगरिब के बाद तक बस खाना खा लेते हैं, और ये लोग कहीं गए हुए हो तो देर हो जाती है, हम लोग खा लेते हैं। असाद को देख रहे हैं आगे, तबीयत सही है। अच्छा भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर निकल गए थे, मैं चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं। यहाँ पे हम आए दवाई लेने के लिए, मेरी दाढ़ में तकलीफ हो रही थी, तो ये जो मेडिकल है ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, दूर ही आना पड़ा हम लोगों को क्योंकि वहाँ पे मिल नहीं रही थी दवाई, तो इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। साथ के वहाँ पर ढूंढते फिर रहे हैं लाइन से मेडिकल है, देखते हैं कहाँ मिलेगी, पता नहीं। तो गाइस आ गए घर पर, गए तो दवाई लेने के लिए थे, लेकिन रास्ते में से असाद ने कहा कि पुलाव खाना है, तो वो पुलाव भी ले लिया है, एक प्लेट और एक प्लेट बिरयानी है। और साथ के पापा गए हुए हैं, हाथ मुँह धो रहे हैं, ज़रा वो आ जाएं तो वो निकालेंगे बिरयानी, क्योंकि ना मैं ऐसी चीज़ें वही निकालता है, मैं सिर्फ खाती हूँ तो अभी ये आ रहे हैं फिर यही निकालेंगे। ये रे आ गए हैं और ये रे असाद। असाद पुलाव कैसा है? अच्छा टाइट, मज़े का, चलो खाओ। ओ ज़ालिमा, हम मैं निकालूंगा, तुम वीडियो बनाना, चल
ये देखें दोस्तों, ओहो इसमें तो प्याज भी है। ये तो पुलाव की है ना, पुलाव की। वो तो बताएं ये कौन सी बिरयानी है, कहाँ की? भाई हम लाए 5 नंबर से। चलो 5। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चांद बिरयानी। चांद ये लो, मजे का था ब्लॉग। अच्छा वीडियो। काले काले से लग रहे हैं चावल। करीब से दिखाती हूँ मैं। क्या दाल गोल काले हो गए? ये देखिए पुलाव। अब बिरयानी देखते हैं कैसी निकलती है। ये क्या लगा है? अच्छा प्याज है इसके अंदर। डालें बिरयानी। बिरयानी बड़े मजे की लग रही है। हो गई हमारी बिरयानी, अब हम इसको खाते हैं, लोग बताते हैं कैसी है। असाद को तो पुलाव पसंद आ गई है, हम लोग खाएंगे बिरयानी। जी दोस्तों, भी असाद जो है सो रहे थे, अब सो के उठे हैं क्योंकि मैं गया हुआ था अपना बाल कटवाने। बाल कटवा के आया हूँ तो अभी नहा धो के फ्रेश हूँ, और जो है असाद भी जो है रेडी हैं, ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो हैं। अभी इनको भी फ्रेश किया है, ये नहाए हैं, इनके नीज़ कट किए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहे थे। दिखाओ नाखून, साफ हो गए नाखून? साफ हो गए बिल्कुल, अब फ्रेश हो चुके हैं और 5 बजने वाले हैं, और अब ये जा रहे हैं ट्यूशन के लिए। और जो है नमाज का भी टाइम हो रहा है, मैं इनको छोड़ता हुआ जाऊँगा, फिर वहीं से वहीं नमाज पढ़ने चले आऊँगा, ठीक है? अच्छा दोस्तों, ये देखें साथ जो है रेडी हो गए, और बैग टांग रहे हैं अपना, और इनका जो है तकरीबन 20 किलो का बैग है जो इनसे बड़ी मुश्किल से उठता है। सही है, पापा नमाज पढ़ने तो जा रहे हैं, तो अभी रुक जाओ ना, अभी साथ चलेंगे। पापा सही है, पकड़ा दो, पापा ले आएंगे वहां से। चलो फिर मैं छोड़ दूंगा, सही तुम्हें, अभी बैठ जाओ थोड़ी इतना 5 मिनट। जी दोस्तों, असाद को मैंने रोक लिया 5 मिनट के लिए, फिर से अभी बैग टांग रहे थे, रेडी हो गए थे, लेकिन मैंने रोक लिया, मतलब साथ ही चलेंगे क्योंकि अभी भी जो है ट्यूशन जाने में 5-10 मिनट है अभी ना, मतलब मैं छोड़ दूंगा, वहीं से जाऊँगा मैं। सही है सर, तो ये कि बच्चों की सिक्योरिटी हो जाती, थोड़ा उनको जो है अपने सामने छोड़ के आओ, ले के आओ ना, वरना जो है आजकल के हालात भी ख़राब हुए हैं काफ़ी।